हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है हजार्डियस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे और आज हम डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, मैनमेड डिजास्टर, तो ये टॉपिक है आज हमारी। तो बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग अर्शिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए और इसको शेयर कर दीजिए, तो मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। तो हम अपने टॉपिक को आज शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं आज हमारे टॉपिक हजार्डस के बारे में है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, एनवायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस चलें शुरुआत करते हैं और एक बार सभी को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग प्रीति जी, गुड मॉर्निंग सीमा जी एंड बाकी भी बच्चे जो लाइव आ चुके हैं उसको भी, इनको भी गुड मॉर्निंग मेरा। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आज हम शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक की। गाइस अगर अभी तक आपने एकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि फौरन आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पे आप एकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे अपना गोल सेलेक्ट करिएगा। गोल सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे अनअकैडमी आपको वहां पे 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराता है बच्चों, ठीक है। प्रीति जी प्लस पर मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तो जल्दी ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इन्वायरमेंट हो या कोई भी और पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है। तो भाई सभी को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, समीम जी, मेघा जी और सभी को जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो गैस हाँ, मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोग प्लस का एडमिशन लेना चाहेंगे तो मिनिमम आप 12th मंथ या 24 का लीजिएगा। और देखिए आज इसके मैं एक फायदे आपको बता दूं, एक नई स्लाइड मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखिए आप यहाँ पे बेनिफिट देख सकते हो प्लस का और आइकॉनिक का। यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक का क्या मतलब होता है गैस? अगर आपने 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का प्लान लिया और तो क्या मिलेगा आपको? अगर आपने 12th मंथ या 24 मंथ तक का आइकॉनिक प्लान लिया प्लस का, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आज हम ये देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा आपको फायदा होने वाला होगा, स्लाइड स्क्रीन पर दिख रही होगी जी। प्रीति जी बिल्कुल, मैं एनवायरमेंट भी स्टार्ट करूंगा और मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ पेपर 2, तो उसको भी मैं स्टार्ट करूंगा जल्द ही। तो आप लोग फौरन जल्द से जल्द आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और वहां पर मेरा रेफरल कोड सैफ10 यूज कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे ये बात आपसे कर रहे थे कि देखिएगा बच्चों आपको क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए अगर आपने 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ और 24 मंथ का प्लान में फर्क क्या है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी प्लस में भी, आइकॉनिक में भी, याद रखिएगा। टेस्ट सीरीज दोनों में मिलेंगे आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस दोनों में होगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल दोनों में किया जाएगा। लेकिन अब यहां से आपका 12th मंथ, मैं क्यों कहता हूं, यहां से आपका फायदा स्टार्ट हो रहा है। कैसे? आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, यानी कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा और सिर्फ आइकॉनिक बच्चों को मिलेगा, यानी जिसने 12th मंथ या 24 मंथ तक का प्लान लिया है। स्टडी प्लानर एंड बाय वीकली रिव्यूज के तौर पे भी हम देखेंगे, तो ये सिर्फ आइकॉनिक के बच्चों को ही मिलेगा। स्टडी बूस्टर सेशन चलेगा आप लोगों के लिए, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन चलेगा और आपको याद होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो अनअकैडमी आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराएगी। और इंटरव्यू प्रिपरेशन वो केवल 12th मंथ या 24 मंथ तक के प्लान लेने वाले बच्चों को ही कराया जाएगा। तो याद रखिएगा इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटेड से आपको, और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी आपको दिए जाएंगे। याद रखिएगा स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अनअकैडमी के इस आइकॉनिक प्लान में। तो नए साल में अनअकैडमी ने आपके लिए नया किया है, तो गाइस हरी अप, मैं आपसे कहता हूँ जल्द से जल्द आप 12th मंथ या 24 मंथ तक का प्लान ले सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर NTA UGC नेट प्रिपरेशन में डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग स्टडी बूस्टर सेशन, स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच और बहुत सी अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और सब और ये सारी चीजें सिर्फ और यहाँ पे देख रहे होंगे अपकमिंग बैचेस के बारे में, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है, तो इस चीज के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा एंड यूज माई रेफरल कोड सैफ10। तो जैसे आप मेरा रेफरल कोड सैफ10 यूज करते हैं बच्चों, तो आपको वहां पे 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो चले आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और अब हम एक बार फिर से सबका स्वागत करते हैं। चलें, तो आप यहाँ पे स्लाइड्स देख सकते हैं और मैं आप शुरुआत करता हूँ अपने आज के हजार्डियस टॉपिक का, एनवायरमेंट को लेकर के। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर से, और
अब जल्दी से हम लोग प्रीति जी इसके बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब फैसिलिटीज मिलेगी अब, लेकिन ये अभी नया आइकॉनिक फैसिलिटीज अभी आया है तो नए हैं आप नए साल में, तो जाहिर सी बात है कुछ नई चीजें दी जाएंगी। ठीक है ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। गाइस देखिए हजार्डस क्या होता है, आपका जो ये एनवायरमेंट वाला सेगमेंट है उसका एक चैप्टर है ये। ठीक है तो उसी चैप्टर को हम देख रहे हैं जहां पे डिजास्टर के बारे में आपको पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो उसको भी हम देख लेते हैं। एक ऐसी घटना जो धन और जन को नुकसान पहुंचा सकता है, अर्थात जिससे अर्थव्यवस्था समाज एवं पर्यावरण को खतरा है, वो हजार्डस कहलाता है। ये हार्ट नहीं हजार्डस होगा। इसका मतलब क्या है, हजार्डस का मतलब है बच्चों कि एक ऐसी आप यूं कह लीजिए घटना होती है जो यानी कि इकोनॉमिकली नुकसान तो पहुंचाता ही पहुंचाता है और साथ ही साथ लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब होती है, सोसाइटी को भी खतरा होता है, इन्वायरमेंट को भी खतरा होता है, तो ऐसे को हम हजार्डस बोलते हैं। ओके आगे देख के चलते हैं। फिर क्या है, जब कोई हजार्ड किसी भी समुदाय को प्रभावित करता है तो उसे डिजास्टर कहा जाता है। ठीक है तो अगर यही जो नुकसान पहुंचा रहा है ना तो डिजास्टर हो जाएगा, और इसी के तहत हम पूरी की पूरी चीजें पढ़ेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आपके टॉपिक में है, कि नेचुरल डिजास्टर किसे बोलेंगे और मैनमेड डिजास्टर किसे बोलेंगे, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, डिजास्टर का मतलब यहाँ पे आपदाओं से है, तो जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या मानवीय और जो या मानव के वजह से जो आपदाएं आती हैं उनके बारे में आज हमें आप सबको पढ़ना है। ठीक है देखिए भारत का दूसरा सबसे ज्यादा सर्वाधिक आपदा ग्रस्त देश है, यानी कि भारत में पूरे दुनिया में सेकेंड नंबर पर डिजास्टर्स आते हैं। आप ऐसे जान सकते हो सेकेंड नंबर का डिजास्टर भारत में आता है, नंबर वन पे चीन। आपसे यूजीसी ऐसा भी क्वेश्चन फैक्ट में पूछ सकती है कि सिंपल फर्स्ट रैंक मतलब फर्स्ट डिजास्टर अफेक्टेड कंट्रीज कौन सी है और सेकेंड कौन सी है, तो पहला चाइना है। इस चीज के बारे में आप सब लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है चलो दूसरी चीज देख के चलते हैं। भारत का सूखाग्रस्त क्षेत्र 68% है, यानी कि अब इंडिया के रेफरेंस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी, तो कि जो हमारा इंडिया है पूरा का पूरा उसमें जो एरिया है उसमें से 68% एरिया बच्चों देखो ये सूखाग्रस्त होता है। आपको मालूम है ना, सुनते होंगे एकदम सूखा ड्रॉप पड़ गया है। ठीक है तो जिससे क्या होगा, फसलों को नुकसान होता है और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये भी तो एक डिजास्टर है, ये भी तो एक आपदाएं हैं। कुछ आपदाएं नेचुरल होती हैं और या कुछ आप वैसे मान लीजिए बारिश हुई नहीं इस साल फॉर एग्जाम्पल, और बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अब क्या होगा, बहुत जगह पे आप देखते होंगे ना सूखा पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट कुछ फंड एलोकेट करती है अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। सब देखते होंगे बेसिक चीजें आप लोग अपने अपने स्टेट में, अपने अपने शहरों में आप ये चीजें जरूर गाँव में देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है तो उसी तरीके से भारत का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वो बच्चों 68% है, इस चीज को याद रखिएगा। और भारत में जो वोल्केनोस आप सॉरी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो अर्थक्विक आता है ना, वो अर्थक्विक का जो क्षेत्र है पूरा पूरा 58%, यानी कि भारत का 58% हिस्सा अर्थक्विक से इफेक्ट होता है, यानी कहीं ना कहीं भारत के 58% हिस्से पे अर्थक्विक आता रहता है। और जब मैं आपको अर्थक्विक वाला बताऊंगा पढ़ाऊंगा मतलब, तो मैं आपको पूरी की पूरी बेल्ट पूरे इंडिया को मैं आपको चार पूरे ग्रुप में बांट करके बता दूंगा ये कि कहाँ पे कितने इंटेंसिटी का कितने तीव्रता का भूकंप आता है, कौन सा स्टेट ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कौन सा कम है, तो सब बताया जाएगा आपको धीरे धीरे सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है उसके बाद हम देखेंगे फ्लड इफेक्टेड एरियाज। बाढ़ग्रस्त का मतलब होता है कि फ्लड जो जितने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं फ्लड इफेक्टेड एरियाज वो 12% है, यानी कि भारत के 12% हिस्से पे वो बाढ़ अक्सर कहीं ना कहीं आती रहती है। ठीक है और इसी के साथ साथ साइक्लोन भी 8% एरियाज इफेक्ट करता है भारत में। साइक्लोन क्या है, ये सब डिजास्टर ही तो है बच्चों, हजार्डस में है कि नहीं ये सारी चीजें आपकी, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सब सारी चीजें ड्रॉट मगर सूखा जो चीजें हैं ये सब आपके डिजास्टर के ही तो है हिस्सा है, आपदाएं तो हैं। कुछ आपदाएं बात अलग है कि वो नेचुरली आपदाएं होती हैं, कुछ मानव क्रिया के द्वारा होती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से होती है, लेकिन इसका नुकसान हमारे धन जन को तो पहुंचता है ना, अर्थव्यवस्था में, समाज में, इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो ये तो बेसिक चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखेंगे भारत में जो टोटल कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल लाइन हैं,
वो टोटल आपको मालूम होगा जो 7500 किलोमीटर है ना, 7500 किलोमीटर है ना, ठीक है, 7500 किलोमीटर, तो उनमें से 5700 किलोमीटर बच्चों यहां पे कहीं ना कहीं सुनामी और साइक्लोन से ये इफेक्ट होते हैं। मतलब आप देखते हो ना जो कोस्टल एरियाज है वहां सुनामी का भी खतरा होता है, साइक्लोन का भी खतरा होता है। तो इस तरीके से भारत में क्या है, इतनी ज्यादा आपदाओं, भारत ने डिजास्टर को फेस करता है हमारा कंट्री। और जब हम वर्ल्ड के लेवल पे जाएंगे तो आप उसको और अच्छे से देख लेंगे कि वर्ल्ड के लेवल पे फिर और क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो फिलहाल तो अभी हम अपने इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारत का 85% हिस्सा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, डिजास्टर से अफेक्टेड एरियाज है भारत में। 85% हिस्सा मतलब ज्यादातर हिस्सा भारत का आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, कहीं साइक्लोन, कहीं सुनामी, तो कहीं अर्थक्वेक आ जा रहा है। तो इस तरीके से 85% हिस्सा भारत का क्या है बच्चों, आपदा ग्रसित क्षेत्र है, आपदा प्रभावित क्षेत्र है। आप इस फैक्ट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, मे भी आपसे यूजीसी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है इस चैप्टर से, तो याद रखिएगा। ओके बच्चों, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो क्या आपको जो फैक्ट आज मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक क्लियर हुई कि नहीं हुई। जल्दी से बताइए क्या आपको फैक्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। जल्दी से सभी लोग, प्रीति जी, नीलम, समीम जी, मेघा जी, मीनाक्षी जी, सीमा जी, अर्शिया, बाकी सभी स्टूडेंट फौरन मुझे कमेंट करके बता दें कि सर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। और प्लीज लाइक और शेयर करते रहिएगा आप लोग। ओके गाइस, चलें, आप लोगों से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक शेयर करते होंगे। और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते रहे मुझे कि सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो रहा है, बेसिक चीजें अगर क्लियर हो रही हैं तो आगे भी हम देखेंगे और शानदार तरीके से। आज हम पहला डिजास्टर को देख रहे हैं जिसको हम बाढ़ यानी फ्लड के नाम से जानते हैं ना। तो ऐसे करके हम सारे के सारे हजारियां चीजों को हम देख लेंगे, डिजास्टर्स को। तो आज हम बच्चों फ्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले सब लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। प्रीति जी का कमेंट आ चुका है, शमीम आपका, अर्शिया, बाकी बच्चे का कमेंट, मीनाक्षी जी, मेघा जी, सीमा, फौरन आप लोग भी कमेंट करके रहिए। सर लास्ट फिर से बताएं। अर्शिया, मैं लास्ट में ये बता रहा था कि 85% हिस्सा इंडिया का कहीं ना कहीं वो डिजास्टर से इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी कहीं कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, ठीक है, कहीं सुनामी, कहीं चक्रवात। तो इस तरीके से भारत में 85% हिस्से ऐसे हैं जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है। ओके चलो, आई होप अब अर्शिया आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी लोगों का भी क्लियर हो ही रहा है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ओके गाइस चले, तो जो बच्चे मुझसे पहली बार वो क्लास कर रहे हैं आज की, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे और भी वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको एनवायरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा एनवायरमेंट का अच्छा खासा मैं 50%+ सिलेबस आपका कंप्लीट करा चुका हूँ देखा जाए तो, ठीक है, तो उससे 60% आप यूँ कह सकते हैं। तो पीछे के भी हर टॉपिक पे मेरे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज हैं, तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा जिससे आप सबका बहुत ज्यादा फायदा हो, ठीक है बच्चों। लाइक और शेयर करते रहिएगा जबरदस्त तरीके से। आइए हम फ्लड के बारे में और बाढ़ के बारे में यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि भारत में कहाँ तक हम इफेक्ट हैं इन सब चीजों से, इसको हम ध्यान में देखेंगे। देखिए जब नदी द्वारा, अब देखिए आज बाढ़ किसे कहते हैं समझते हैं ना आप लोग, जरूर अपने गाँव में और अपने शहरों में भी देखा, जरूरी गाँव में शहरों में भी बाढ़ इफेक्ट होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। जब नदी द्वारा अपने किनारों का अतिक्रमण करके जो नदियां होती हैं उनके जो साइड कॉर्नर्स होते हैं वहां से वो उसका वायलेशन करके, अतिक्रमण करके अचानक भारी वर्षा और आंधी आदि के कारण क्या कर जाती है, वो बृहद क्षेत्र जल में डूब जाता है उसका किनारा, और या यूं कह लीजिएगा वाटर पूरी तरीके से एकदम बाहर की तरफ चला आता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बाढ़ कहा जाता है इसका। और फिर हम यहां पर देख के चलते हैं, भारत विश्व का सेकेंड फ्लड अफेक्टेड कंट्री है, भारत विश्व का दूसरा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है और पहले नंबर पे बांग्लादेश। तो आपसे कभी रैंकिंग वगैरह पूछ ली जाए तो आप फ्लड के मामले में, बाढ़ के मामले में नंबर एक को बांग्लादेश टिक करिएगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे अपने प्यारे भारत यानी कि इंडिया को आप टिक करिएगा। चले आगे हम यहाँ पे देख के चलते हैं कि अब इंडिया में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे बहुत ज्यादा ये फ्लड से इफेक्ट होते हैं।
तो मैंने कुछ नदियों के नाम लिख रखे हैं और कुछ एरिया के बारे में एकदम शॉर्ट में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों का बाढ़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर यूपी का ईस्टर्न वाला जो हिस्सा है, वहां पे बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम के ये जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। यानी कि बाढ़ यहाँ पे असम हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, वो कहीं ना कहीं बाढ़ से इफेक्ट होते रहते हैं हमेशा, ठीक है। और इसका रीजन यही है कि यहाँ पे जो नदियों का विशाल जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरियाज है ये, ठीक है, नदियों का। और दूसरी चीज है, यहाँ पे नदियां अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं, जैसे गंडक नदी हो गई, कंचिक में गंडक नदी होगी, कोसी होगी, रिश्ता तिस्ता नदी होगी, तो ये सारी की सारी नदियां बच्चों क्या करती हैं, अपने मार्ग को, अपने यानी कि इनका जो तो क्षेत्र होता है उसको बदलने में भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये ऐसी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, चाइना, नेपाल, भूटान, इनकी वजह से भी इस जगहों पे बाढ़ आते हैं। कैसे, यह मतलब कि जैसे यहाँ से कुछ पानी छोड़ दिया जाता है, आप सुनते रहते होंगे ना न्यूज में कि यहाँ से आज नेपाल ने इतना पानी छोड़ दिया है, वहां का ये बांध टूट गया है, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और यहाँ पे जो नदियां उसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ पे महानदी कृष्णा और गोदावरी नदी का वजह से बहुत सारी चीजें हैं। चलो अगला हम तीसरा पॉइंट देख के चलते हैं कि और कौन कौन से एरियाज फ्लड से इफेक्ट होते हैं भारत में। वो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसको मैं इंग्लिश में भी लिखता चाहूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर को वाला हिस्सा, ठीक है, आपका हिमाचल का हिस्सा, ये भी बहुत ज्यादा फ्लड से अफेक्टेड होते हैं, और आपके यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे भी। अब लेकिन यहाँ का रीजन क्या है, एक्चुअली यहाँ का जो रीजन है बाढ़ आने का, वो है बादल का फटना। आपको आप सुनते हो ना बादल के फटना, बादल का फटना हो जाए, या आप यू कह सकते हैं लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से भी पूरी की पूरी लैंडस्लाइड हो जाती है वहां पे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिक्कत कर जाती हैं। और हम आगे यहाँ पे देख के चलते हैं कि और कौन कौन सा हिस्सा इंडिया में ज्यादा इफेक्ट करता है, वो आपका पंजाब है, हरियाणा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, पंजाब वाला हिस्सा आपका, हरियाणा का हिस्सा, ठीक है, राजस्थान, यहाँ पे भी क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट एरियाज हैं भारत में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी वर्षा होती है। और उसके एक रीजन और है बाढ़ आने का, यहाँ पे देखिएगा वनों का विनाश किया जा रहा है, मतलब पेड़ पौधे जंगल बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं, माइनिंग की वजह से बांध वगैरह जो होता है, तटबंध के टूटने की वजह से भी जो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ पे भी इनको फ्लड का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपदाएं तो हो गई, अब बात अलग है कुछ आपदाएं नेचुरल होती हैं, अभी हम आगे देख लेंगे। और नेचुरल आपदा का मतलब है जो प्राकृतिक द्वारा है, ठीक है, वहां पे इंसानों का कोई रोल ना हो, और ऐसी आपदाएं जो इंसानों की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से आए, उसको हमारी मतलब कह सकते हैं वो मानवीय कारण की वजह से आपदा आ रही है। तो बस सिंपल सा सिलेबस में आपका यही पूछा जाएगा, और जो जो चीजें पूछी जाएंगी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सबको कवर करवा दूंगा। आई होप अब आप सब लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब ये बाढ़ आ जाती है भैया, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये मेन पॉइंट आज हमें समझना है। तो इसी वजह से हम इनके प्रभाव को यहाँ पे समझते हैं। और उससे पहले आप सब लोग क्या करिएगा, कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसके प्रभाव के बारे में डिस्कस करूँ, ठीक है। 20 सेकंड दे रहा हूँ आप लोगों को मैं आपसे पूछने के लिए। अरे विस्ता नहीं, वो तिस्ता नदी है ना, आप जानते होंगे ना तिस्ता नदी, ठीक है, नदियां हैं, नदियां रिवर है सीमा जी, ठीक है। चलो और कोई डाउट किसी का, चलो सबके कमेंट आने शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों हम प्रभाव के बारे में यहां पे देखते हैं कि बाढ़ की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। और आप सबको भी मालूम है, आपने भी कहीं ऐसा तो है नहीं कि कभी आपने फ्लड देखा नहीं होगा अपने आसपास, हो सकता है आप भी कभी उससे इफेक्ट रहे हों, प्रभावित हुए हों। तो चलो देखते हैं कि बाढ़ से क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला इफेक्ट है बच्चों, ये इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, कैसे अभी समझा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों वो सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से, जी हाँ, तीसता है,
ठीक है, सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? जैसे आपको मालूम होगा जिस एरिया में फ्लड आ चुका होगा या प्रभावित होगा वहां पे सबसे पहले तो खाने पीने की दिक्कत होगी, ठीक है, फूड वगैरह की, खाद्यान्न की जरूरत बहुत ज्यादा वहां पे महसूस की जाएगी, और साथ ही साथ फ्रेश वाटर, ये देखिएगा। और बिना खाने के, बिना साफ पानी के, अब आप सोच सकते हैं कैसा जीवन होता होगा। इस वजह से देखते होंगे जब भी हमारे यहाँ कभी बाढ़ वगैरह आती है तो कभी देखिएगा दौरा करते हैं ना हर स्टेट के अपने सीएम वगैरह प्राइम मिनिस्टर्स क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से बैठ करके देखते रहते हैं अच्छा कहाँ कहाँ पे ज्यादा लोग अफेक्ट हैं, फिर वहां पे कुछ उनकी रिलीफ के लिए कुछ फूड पैकेट वगैरह या फ्रेश वाटर वगैरह ऐसी बहुत सी चीजें पहुंचाई जाती हैं। गवर्नमेंट के थ्रू ही नहीं, सिर्फ एनजीओ भी मदद करता है, लोग भी मदद करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ये सारी चीजें हम आप प्रैक्टिकली फॉर्म में अपने देश में देखते होंगे, तो ये प्रभाव है। साथ ही साथ तो वहां पे खाने पीने की दिक्कत तो होती ही है, साथ ही साथ अगर बाढ़ आ जाएगा तो एग्रीकल्चर पे कितना जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा कृषि आधार वहां, जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो हैं, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, उनके लिए कच्चे माल नहीं मिल पाएंगे। जब उनके लिए कच्चे माल नहीं मिल पाएंगे तो सामान क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी उसकी वहां पे। जब इन सब चीजों के बारे में जब उसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, तो यही सारे रीजन इफेक्ट कर जाएंगे बच्चों आप लोगों के इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट करने लगेंगे तो समाज में भी आपका असर दिखना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पे भी बाढ़ क्या करता है, इफेक्ट करता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो बेसिक चीजें ये हो गई, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि और क्या क्या इफेक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी भैया बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? जैसे आपको मालूम है रेल वगैरह एकदम पूरी तरीके से जाम हो जाती है ना, देखिए जब बाढ़ वगैरह आ जाता है पटरियां वगैरह डूब जाती हैं तो रेलों को भी दिक्कत होती है, ट्रेन वगैरह को। साथ ही साथ रोडवेज वगैरह, रोड वगैरह जो होती हैं वहां पे भी नुकसान होता है, और भी बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो वो इफेक्ट करती हैं बाढ़ की वजह से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे देख के चलते हैं। चलो फिर आगे देख के चलते हैं, इसकी वजह से क्या आ जाता है, बेरोजगारी भी हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हो जाता है। और इसी बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं, अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाती है ना। जब भूखे प्यासे रहने लगेंगे तो भाई डेथ भी होने लगेगी, महामारियां फैल जाएंगी, बीमारियां फैल जाएंगी, डिजीजेस भी बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखिए जहां पे बाढ़ ग्रस्त होगा वहां पे पानी जमा हो जाते हैं, गंदगियां हो जाती हैं, और फिर वहां पे बच्चों जो जल जनित बीमारियां हैं, वाटर से जो डिजीजेस होती हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे, और पूरी की पूरी ये बीमारी महामारी, सोचिए पैनडेमिक आप कह सकते हैं कि पैनडेमिक का रूप ले लेती है, इतनी जबरदस्त तरीके से पूरे के पूरे गांव और शहर एरिया को तबाह कर देती है। तो इस तरीके से बाढ़ कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है सोचिए हमारे आपकी कंट्री के लिए, और कंट्री हमारी ही नहीं, बाकी आप दुनिया में भी और भी देश इससे प्रभावित रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो सोच सकते हैं कि बच्चों किस तरीके से इफेक्ट करता है हम लोगों को। आई होप अब आप सबको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। फिर हम साथ ही साथ देख के चलते हैं, भारत में बाढ़ से हर साल 1500 लोग तथा 2 लाख से अधिक मवेशी मारे जाते हैं, ऐसा एक डेटा है हमारे यहाँ, और ये डेटा बढ़ करके बढ़ा भी गया है। तो सोचिए अप्रोक्स आप 1500 से 2000